Hello, good afternoon. This is Santosh Kulkarni. और आपके सामने एक नया वेबिनार लेके हम हाजिर हुए हैं. आज का टॉपिक है AAC ब्लॉक्स, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स. आपके सामने एक वेबिनार. देखिए, आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये है. इसका नाम है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स. ऑटोक्लेव्ड का मतलब है भट्टी या ओवन या फर्नेस. फर्नेस से निकाले हुए है ये. दूसरा ये एरेटेड है. एरेटेड मतलब उसमें एंट्री के टाइम पे हवा उसमें डाली गई है, इसलिए वो लाइट वेट हो जाते हैं. देखिए, ये है AAC ब्लॉक्स. ये एक फैक्ट्री का नजरिया आपको दिखा रहे हैं. इस प्रकार से स्टैक करके रखे हुए है. ये साइट पे आने के बाद इस प्रकार से दिखते हैं. इसकी कॉस्ट कुछ 3600 रुपए पर क्यूबिक मीटर के आसपास है. ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर से है. देखिए, यहाँ पे एक साइट पे AAC ब्लॉक्स भी रखे हुए हैं और रेड ब्रिक्स भी रखी हुई है. दोनों यूज की हुई है. रेड ब्रिक्स और AAC ब्लॉक्स. रेड ब्रिक्स का वजन है 1900 केजी पर क्यूबिक मीटर. AAC ब्लॉक का वजन है 600 केजी पर क्यूबिक मीटर. सो ऑलमोस्ट 2/3 डेड लोड बिल्डिंग का कम हो जाएगा अगर आप AAC ब्लॉक्स यूज करेंगे. 600 और 1900 केजी पर क्यूबिक मीटर. ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे. ये ध्यान में रहेगा. अभी 600 और 1900 किलो. देखिए, यहाँ पे जो वॉल आपको दिख रही है वो एक कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है. ऊपर सारी रेड क्ले ब्रिक्स यूज की है. ये पाटली और लिंथ के नीचे वाला हिस्सा आपने देखा पूरा AAC ब्लॉक का था. ये एक बिल्डिंग AAC ब्लॉक में बनी हुई है. आप देख रहे हो एक्सटर्नल वॉल. लिंथ का काम जो है यहाँ पे रेड क्ले ब्रिक्स में ही किया हुआ है, जो कन्वेंशनल ब्रिक्स है. यह है RCC कॉलम. देखिए, अभी साइजेस क्या क्या अवेलेबल है जरा देखिए. इन ब्रिक्स की क्रशिंग स्ट्रेंथ है 3-4 न्यूटॉन पर स्क्वायर mm या 30-40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेकंड क्लास रेड ब्रिक्स से कंपेरेबल है. इसकी डेंसिटी आप देखेंगे 600 केजी पर क्यूबिक मीटर लिखी हुई है यहाँ पे. और इसके साइजेस अलग अलग अवेलेबल है. 625x240 mm स्टैंडर्ड डायमेंशंस है. उसके अलावा ये 75, 100, 150 और 200 mm की विड्थ्स में अवेलेबल है. ये जरा ध्यान रखिए, नॉर्मल डायमेंशंस, नॉर्मल साइजेस. जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से थिकनेस आप ब्रिक ब्लॉक की यूज कर सकते हो. 75, 100, 150 और 200 mm. ओके, ध्यान में रहेगा. देखिए, ये वाली बिल्डिंग में AAC ब्लॉक्स और रेड ब्रिक्स दोनों यूज किए. फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि रेड ब्रिक्स यूज की हुई है, इसलिए साइड पे इतनी ब्रिक्स बच के रह गए उनके पास. ये देखिए, सेम बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है. इसमें फिनिशिंग वर्क अच्छा है क्योंकि इसका टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 1 mm का है, जबकि रेड ब्रिक्स जो मिलती है उसमें फर्क रहता है प्लस माइनस 5 mm का. सो प्लास्टिक थिकनेस, जॉइंटिंग, मोर्टर की थिकनेस, ये कम होने से ये इकोनॉमिकल हो जाती है.
चलते आगे, ये देखिए इंटीरियर्स का एक फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं मैं। सेमी सर्कुलर लिंटल बीम डाली गई है, उसके ऊपर का मैसनरी वर्क पूरा एएसी ब्लॉक्स में किया हुआ है। पीछे खूबसूरत सी खिड़की, यहाँ पे देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का पूरा काम एएसी ब्लॉक में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंजिली बिल्डिंग थी वो, सातवीं का काम चल रहा था। यह एक इंटरनल मैसनरी, टॉयलेट की मैसनरी आप दिख रही है, 75 mm थिकनेस की एएसी ब्लॉक्स यहाँ पे दिख रहे है। सन पोर्शन टॉयलेट का, ये देखिए इंटरनल वॉल, यहाँ पे जॉइंटिंग आपको दिख रहा है, ये देखिए जॉइंटिंग पूरा जो किया हुआ है, ये प्रीमिक्स मॉर्टर से है। नॉर्मली एएसी ब्लॉक जहां से मिलते हैं वहां पे ये जॉइंटिंग मॉर्टर भी आपको मिलेगा उनके साथ में। और आपके सामने ऑप्शन से दो, या तो आप इस प्रकार के प्रीमिक्स मॉर्टर से जॉइंटिंग करें, या फिर नॉर्मल कन्वेंशनल 1:3 का सीमेंट सैंड मॉर्टर से आप जॉइंटिंग कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्ट्रेचर बॉन्ड, ये प्रीमिक्स मॉर्टर से किया हुआ है। ये देखिए कंपाउंड वॉल, कोपिंग, पाटली या बैंड बीम, स्ट्रेचर बॉन्ड में की हुई कंपाउंड वॉल। अच्छी लगी आपको, कीजिए फिर आपके यहाँ इसी प्रकार से काम। ओके, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं आपको मैं। देखिए मैसन, उसके हाथ में एक पत्रा है, एक एमएस प्लेट है जिससे वो जॉइंटिंग कर रहा है। ये प्रीमिक्स मॉर्टर में है, देखिए कितना बारीकी से काम हो रहा है। फिनिशिंग वर्क इसमें काफी अच्छा हो सकता है। मैसन कॉन्शियस है कि उसका वीडियो लिया जा रहा है, इसलिए वो केयरफुली स्माइल दे रहा है आपको। और ये एक मेरा स्टूडेंट, एक एनर्जेटिक स्टूडेंट जो हाथ से करके देख रहा है कि क्या अनुभव आ रहा है। देखिए ये दूसरा स्मार्ट स्टूडेंट, ये भी लगा के देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने आज का ये वेबिनार अभी मैं संपन्न करने जा रहा हूं। संतोष कुलकर्णी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे इस चैनल के ऊपर आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं उत्साहित होके आपको और नए नए वीडियोस बना के यहाँ पे रख सकूं। तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, बेस्ट विशेस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलना मत, ताकि नए नए वीडियोस आपको मैं अपलोड कर सकूं, मुझे भी जरा एनर्जी आएगी ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।